ये स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव ब्रो में। मेरा नाम है ब्रो और आप देख रहे हैं लाइव ब्रो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कास्ट टू टीवी स्क्रीन एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन की रेटिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 1.1 इसका रेटिंग पॉइंट है और 10,000 से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड भी कर चुके हैं। और इसकी हम बात करें एप्लीकेशन कब लॉन्च हुआ तो ये भी आपको बताया था पहले में कि एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च हुआ है। जी हाँ गाइस, ये 18 फरवरी को लॉन्च हुआ है। इसको लॉन्च होने में सिर्फ और सिर्फ अभी 20 दिन का लगभग हुआ है और 10,000 से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। तो इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, इसकी सारी प्रोसेस क्या है, मैं अपनी इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो इस एप्लीकेशन को आपको कर देना है ओपन। ओपन करने के बाद में एप्लीकेशन थोड़ा लोड वगैरह लेता है तो हमको थोड़ा वेट कर लेना ताकि एप्लीकेशन अच्छे से ओपन हो जाए। अब आपको ऊपर की साइड यहाँ कंटिन्यू टू ऐप पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग आते जाते तो एडवर्टाइजिंग को हम हटाते जाते हैं फटाफट और यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे हम क्लिक करते हैं उसको हमको सारी परमिशन अलाउ करना होगी तो हम यहाँ पे अलाउ परमिशन कर देते हैं। और उसके बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। पहला है कास्ट टू टीवी वीडियो प्लेयर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या मोबाइल की स्क्रीन दीवार पे शेयर होती है कि नहीं होती है। तो हमको वीडियो प्लेयर पर कर देना है क्लिक। उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई भी एक वीडियो को प्ले करना है, उससे पहले आपको फ्लैश लाइट ऑन करना पड़ेगी दोस्तों ताकि आप समझ सके कि फ्लैश लाइट के जरिए भी क्या मोबाइल की स्क्रीन दीवार पर शेयर होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने वीडियो को ओपन कर दिया है। वीडियो को ओपन करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल भी दीवार पर शेयर नहीं हो रही है, यानी कि ये एप्लीकेशन मोबाइल की स्क्रीन दीवार पर शेयर नहीं कर सकता। मैंने अपनी वीडियो में आपको जानकारी बता दी कि ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं बना दोस्तों जो मोबाइल की स्क्रीन दीवार पर शेयर कर सके। अब साथ ही साथ हम बात करेंगे क्या ये एप्लीकेशन मोबाइल की स्क्रीन टीवी पर शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे कास्ट टीवी पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एडवर्टाइजिंग को क्लोज कर देना है। अब यहाँ आपको सिलेक्ट टीवी पे क्लिक करके आपको कोई भी टीवी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कंपनी की टीवी है। तो यहाँ पे आपको टीवी मॉडल देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपका मॉडल हो, जो भी आप मोबाइल की स्क्रीन दीवार टीवी पे शेयर करना चाहते हो तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और ओपन करके परमिशन दे देनी है। उसके बाद में टीवी और वाईफाई ऑन करके दोनों को परमिशन दे देना है और ऑटोमेटिकली मोबाइल की स्क्रीन टीवी पर शेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, ना कि दीवार के ऊपर। तो आइए अब दोस्तों कि आपको हमने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझा दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।